बॉलीवुड में मुन्नी नाम काफी फेमस होती जा रही है। वैसे मैं इस वीडियो में मुन्नी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड से जो हॉरर मूवी आ रही है मुंजिया, उसकी ऑफिशियल ट्रेलर आ गई है। चलिए उस ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत ही होती है एक साउथ इंडिया के किसी गांव से, जहां पे बताया जाता है कि इस गांव की एक जगह बहुत ही ज्यादा श्रापित है। और इस पूरे ट्रेलर में देखेंगे तो उस जगह पे एक पेड़ है जिसे बहुत ही हाईलाइट करके दिखाया जाता है, मतलब कि पूरी कहानी उसी पेड़ के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। वैसे बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। तो अगर आप सबको नहीं पता है कि ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि दिनेश बिजान की हॉरर यूनिवर्स से मूवी आती है उसी टाइप ये भी मूवी बनाई गई है। मतलब कि सिर्फ हॉरर ही नहीं दिखाया जाएगा, इसके बीच में अच्छी खासी कॉमेडी भी क्रिएट की गई है। तो ट्रेलर आगे बढ़ती है और ट्रेलर में पूरी कहानी की बात करें तो कहानी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जो कि बचपन में ही एक लड़की मुन्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके गांव वाले किसी रीजन से काला जादू करवा के या फिर किसी और वजह से उस लड़के की हो जाती है मौत। और फिर उसी की भूत जो कि उसकी अधूरी इच्छा रह जाती है मुन्नी से शादी करने की, वो किसी न किसी वजह से भूत बाहर निकलती है, मतलब कि आत्मा बाहर निकलती है और सिर्फ एक लड़के को दिखाई देती है। और वो जो मुंजिया का भूत है उस लड़के के अलावा किसी को नहीं दिखता, जिसके वजह से जो का बताता है मुझे वो भूत दिख रहा है तो कोई भी मानता नहीं, हमेशा उस लड़के से ड्रग्स की बातें करती रहते हैं। और अगर खबरें की माने तो इस मूवी का जैसा कि जॉनर दिखाया जा रहा है, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मूवी स्त्री का प्रीक्वल होने वाला है। वैसे अगर दोनों मूवी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्त्री और इस मूवी की दोनों की कॉन्सेप्ट बराबर है, उसमें भी अधूरी इच्छा थी शादी से रिलेटेड और ये मूवी भी सेम ही कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। और यही बात पूरे मूवी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉमेडी क्रिएट करेगी कि एक भूत को किसी से शादी करनी है और यही है उसकी अधूरी इच्छा। और जैसा कि हम लोगों को पता है जब तक अधूरी इच्छा पूरी ना हो तब तक उस भूत की आत्मा को शांति नहीं मिलती। और फिर ट्रेलर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे पता चलता है कि वो जो लड़का है जिसे ये भूत दिखता है उस लड़के का भी उस गांव से कोई ना कोई कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली वहां पे जाना नहीं चाहती। लेकिन फिर ट्रेलर में कहानी सीरियस मोड़ लेती है और उस लड़के के साथ जो बचपन में होता है उस चीज को दिखाया जाता है। लेकिन पूरे फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि मुंजिया की शादी मुन्नी से हो पाती है या फिर नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर एक कंप्यूटराइज्ड सीजीआई पे बेस्ड कैरेक्टर है, मतलब कि बॉलीवुड या फिर बोले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली ऐसी कंप्यूटराइज सीजीआई पे बने हुई कैरेक्टर पे बेस्ड मूवी बन रही है। तो तैयार हो जाइए मुंजिया और मुन्नी की शादी देखने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी अलग वीडियो में।